हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैपिटल कंप्यूटर क्लासेस में। हमने शुरुआत में दो पार्ट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है, उसकी सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब इसी के थर्ड पार्ट में हम कंप्यूटर जनरेशन पर डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो इस पार्ट में हम आपको बताएंगे, और वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, प्रथम बिजली से चलने वाला कंप्यूटर का क्या नाम था। जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं वहाँ पे, मार्क वन, पाइनियर वन, एप्पल वन और इंटेल वन। तो जो कि एप्पल और इंटेल बाद में आए थे, तो ये फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड नहीं है। मार्क वन जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसलिए इसका आंसर होगा मार्क वन। मार्क वन के बाद और भी कंप्यूटर आए जो फर्स्ट जनरेशन में थे, जैसे एनियाक, दूसरा था आपका एडसेक। ये सारे जो कंप्यूटर थे वो थे फर्स्ट जनरेशन के, जो कि बिजली से चलते थे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा मार्क वन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क वन के निर्माता का क्या नाम था। तो मार्क वन के निर्माता का नाम था यहाँ पे हावर्ड एकिन। हावर्ड एकिन ने यहाँ पर मार्क वन को डिज़ाइन किया हुआ था। उसके बाद हावर्ड एंड जेम्स वॉर्ड जेटकिन दिए हैं, इनके अलग अलग आविष्कार थे। तो मार्क वन का आविष्कार किसने किया था यहाँ पे, हावर्ड एकिन ने। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मार्क वन नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था। तो आपसे कंप्यूटर क्या था उनके पूछने का मतलब है कि वो किस टाइप की मशीन थी। कैलकुलेटिंग थी, रोबोट मशीन थी, इंजन थी या डायरी थी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रोबोट दिया हुआ है, इंजन दिया हुआ है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर दिया हुआ है, डिजिटल डायरी दिया हुआ है। तो आपको चार ऑप्शन में से ये देखना है कि ये मार्क वन क्या था। तो मार्क वन जो कंप्यूटर है वो था कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये 20 अंकों वाली संख्याओं का कैलकुलेशन 5 सेकेंड में कर लेता था। यानी ये 20 अंक का कोई भी नंबर था तो उसको 5 सेकंड में कैलकुलेट कर लेता था, इसलिए ये मार्क वन कंप्यूटर का था, आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में हमने ट्रांजिस्टर के स्थान पर किस चीज़ का यूज़ हुआ था। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का बात करें तो ICC जो है ट्रांजिस्टर के बाद आई थी। ट्यूब तो कुछ यूज़ हुआ नहीं था, मरकरी भी नहीं हुआ था। तो फोर्थ ऑप्शन जो आपको बचता है यहाँ पे, वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर से पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका आंसर होगा आपका, प्रारंभ दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के जस्ट पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली। इसका मतलब है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया। तो वैक्यूम ट्यूब तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, IC चिप दिया हुआ, ट्रांजिस्टर दिया हुआ, रिसीवर दिया हुआ है। तो IC चिप जो है वो ट्रांजिस्टर के बाद आया था, हमने थर्ड जनरेशन में पढ़ा है, और ट्रांजिस्टर जो है जस्ट वैक्यूम ट्यूब के बाद आया था। तो इसका आंसर होगा कि वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर ने, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है आपका कि निम्न स्तरीय भाषा का विकास किस स्पीड में हुआ। निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का विकास कौन सी जनरेशन में हुआ। लो लेवल लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। और फर्स्ट जनरेशन में आपका लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा का विकास हुआ, इसका आंसर है पहली जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी में डाटा स्टोरेज के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था। तो डाटा स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक टेप का यूज़ डाटा स्टोरेज के लिए किया जाता था।
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कुछ गलत टाइप हुआ है। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी में डाटा स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो आंसर है आपका मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक कार्ड का यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये आप नोट कर लें इसको, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे चलते हैं। एट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किस पीढ़ी में और किसके द्वारा किया गया। मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो उसमें लिखाया था डोट में लास्ट में कि असेंबली लैंग्वेज का निर्माण किसने और किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है दूसरी और हार्वर्ड आइकन, सेकेंड ऑप्शन है पहली और डॉक्टर ग्रासहॉपर द्वारा, थर्ड ऑप्शन है आपका तीसरी और विलियम शॉकले, और फोर्थ ऑप्शन है चौथी और जैक किबली। तो असेंबली लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पहली और डॉक्टर ग्रासहॉपर द्वारा असेंबली लैंग्वेज को निर्माण किया गया, और इसका सन है 1971 में असेंबली लैंग्वेज का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन एंड डॉक्टर ग्रासहॉपर द्वारा असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया गया 1971 में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी में थी। तो हमने जनरेशन में जब पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, फिर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, ऊपर क्वेश्चन में देखा ट्रांजिस्टर को, तो फर्स्ट के बाद सेकंड आया, सेकंड के बाद थर्ड आया, और थर्ड के बाद फोर्थ आया, और फोर्थ के बाद फिफ्थ आया। तो फर्स्ट जनरेशन में थी आपका वैक्यूम ट्यूब, और ट्रांजिस्टर था आपका सेकंड जनरेशन में। तो ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आए थे? सेकंड जनरेशन में। तो आपका आंसर होगा सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर का विकास हुआ ट्रांजिस्टर के रूप में, यानी वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, आपको ये कई बार पूछा जाएगा कि ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ये कौन कौन से जनरेशन में प्रोड्यूस हुए। तो आपको याद रखना है कि कौन सी जनरेशन में किस चीज़ का आविष्कार हुआ। टेंथ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आए। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम बोलते हैं शॉर्ट में आईसी, और आईसी चिप कौन सी जनरेशन में हुए, मैंने बताया फर्स्ट में आया आपका वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड पीढ़ी में आया आपका ये थर्ड पीढ़ी में आया आपका आईसी चिप सॉरी थर्ड पीढ़ी में आपको इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर होगा आपका तीसरी पीढ़ी में। उसके बाद जस्ट नीचे दिया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आए। तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपका आईसी चिप, एंड फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक डेवलप होती गई, तो उसके सीक्वेंस ही मैंने क्वेश्चन भी जमाए हुए हैं कि पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया आईसी चिप ने, और आईसी चिप को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर ने। अब आगे जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन, इलेवेंथ क्वेश्चन के बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धि यानी इंग्लिश में बोलते हो आप इसको एआई, एआई का फुल फॉर्म होगा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कौन सी पीढ़ी में आए, यहाँ पे दिया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धि। तो इसमें क्योंकि फिफ्थ जनरेशन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इसको हम फिफ्थ जनरेशन का बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड 13वां क्वेश्चन यहाँ पे दुआ हुआ है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस टाइप के थे। तो यहाँ पर दिया हुआ ए ऑप्शन में आपको आकार में छोटे तथा चाल में धीमे, सेकंड ऑप्शन दिया है आकार में बड़े तथा चाल में तेज, थर्ड ऑप्शन है आपका आकार में छोटे और चाल में तेज, और थर्ड है आकार में बड़े और चाल में धीमे।
तो मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था कि फर्स्ट जनरेशन में जो भी कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े होते थे, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी कम होती थी। इसलिए इसका आंसर होगा डी, यानी आकार में बड़े, चाल में धीमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, मतलब फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा बनाया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है एनियाक, आर्यभट्ट, कॉस्मोस और रोवर्स। आर्यभट्ट सबसे लास्ट में आया, कॉस्मोस और रोवर्स ये अलग चीज़ हैं, और फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एनियाक। एनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म होगा क्या पूरा आपका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियाक का फुल फॉर्म। इसका 1943 में, सॉरी 1946 में बनाया गया। एनियाक कब बनाया गया, 1946 में बनाया गया। तो आपका आंसर होगा कि फर्स्ट पीढ़ी में फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, एनियाक। उसके बाद आया एडसैक, एडबैक भी आया, तो 1946 में एनियाक बना। ठीक है, आंसर है आपका 14 क्वेश्चन का आंसर है एनियाक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था इसके ऊपर जस्ट था कि कौन सा था, अब सेकंड है कि एनियाक को किसने बनाया, एनियाक किसने बनाया। तो यहाँ पर दिए ऑप्शन, फिशर जेनी, साइमन बंधु, फोरियोक, जे पिकर्ट और जे डब्ल्यू मैकली। तो आंसर है आपका जे पी इकर्ट एंड मैकली, नहीं सॉरी मुचली है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेड है, ये कई किताबों में मुचली दिया है, जे पी इकर्ट एंड जे डब्ल्यू मुचली। तो इसका आंसर है कि एनियाक को किसने बनाया, जे पी इकर्ट और जे डब्ल्यू मुचली ने बनाया था या मैकली ने बनाया था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एनियाक में कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता था, यहाँ पर मॉनिटर दिया है, प्रिंटर दिया है, डिकोडर दिया है, वाल्व दिया है। तो आंसर है इसका वाल्व। एनियाक में किसका यूज़ किया जाता था, बाल्ब का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 17वां क्वेश्चन दिया है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था। तो फर्स्ट जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का काल माना जाता है 1956 से 1963। यहाँ पे आंसर दिया है आपको 1901 मिनट, यहाँ पे आंसर दिया है आपको 1959 से 1964। तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये जो टाइम पीरियड आपसे पूछा जाएगा अलग अलग किताब में अलग अलग होगा, तो अप्रॉक्सीमेट टाइम आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है 1959 से 1964। ठीक है, 18 क्वेश्चन है आपका कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मेन पुर्जा क्या था, वही ऊपर हम देख चुके कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर। तो इसका आँख बंद करके आप लगा दीजिए, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिस्टर का आकार कितना था। तो ट्रांजिस्टर जो था वो वैक्यूम ट्यूब से कितना बड़ा था, कितना छोटा था। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से आपको देखना है कौन सा है। तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन है, 1/1200वां हिस्सा वैक्यूम ट्यूब का था। तो ट्रांजिस्टर का आकार कितना था, 1/12। ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजिस्टर किस टाइप की डिवाइस थी, सेमी कंडक्टर थी, गुड कंडक्टर थी, बैड कंडक्टर थी या सैड कंडक्टर थी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं आपको, सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सैड कंडक्टर। तो सैड कंडक्टर कुछ नहीं होता है, बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक में यूज़ किए जाते हैं, और सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है और जिसको हम सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनाते हैं, ये चिप में यूज़ किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर क्या था, एक चिप के फॉर्म में था और सेमी कंडक्टर का बना हुआ था। तो आंसर है आपका सेमी कंडक्टर, यानी ट्रांजिस्टर क्या था, एक सेमी कंडक्टर डिवाइस था। 21वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि ट्रांजिस्टर किसका बना था, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ट्रांजिस्टर जो था क्या था, सेमी कंडक्टर था,
सेमीकंडक्टर डिवाइस काय की बनी होती थी? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दो चीज़ों की बनी होती थी, एक सिलिकॉन की बनी होती है, दूसरी जर्मेनियम की बनी होती है। तो ट्रांजिस्टर क्या था? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस था और सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता था। 22वां क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या था? तो ट्रांजिस्टर का मुख्य काम, यहाँ पर चार काम दिए हुए हैं आपको, एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करना, दूसरा कंप्यूटर को चलाना, तीसरा है दो टर्मिनलों के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका मेन जो मुख्य काम था वो था दो टर्मिनलों के बीच धारा को नियंत्रित करना, यानी आपका ऑप्शन होगा दो टर्मिनलों के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है नीचे 23वें नंबर पे भी, मुख्य काम क्या था। तो हम आगे बढ़ेंगे, 24वां क्वेश्चन है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में आए? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आए थे, सेकेंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे, थर्ड जनरेशन में आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे। तो सेकेंड जनरेशन इसका आंसर होगा। 15 क्वेश्चन देखेंगे हम, 15 में पूछा है आपका कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कोबोल का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं आपको, कॉमन बोल्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, कैलकुलेटिंग बिजनेस ऑप्शनल लैंग्वेज और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था दो लैंग्वेज बताई थी, एक फोटोन और एक कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोटोन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हम थर्ड 26वें क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का टाइम पीरियड क्या था? तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है आपको 40 से 58 दिया हुआ है, 59 से 64 ये सेकंड जनरेशन का है, 65 से 75 ये थर्ड ऑप्शन है, ये तीसरी पीढ़ी के लिए यूज़ हुआ था। तो इसका आंसर होगा 65 से 75। ठीक है, 27वां क्वेश्चन हम देखेंगे, 27वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का मेन पार्ट, मुख्य पुर्जा यानी मेन पार्ट क्या था? तो थर्ड पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था? आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, थ्योरी में हमने पढ़ाया है आपको। तो इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप। तो इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होता है, मतलब आईसी चिप कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी होती है और उनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता। तो आंसर आपको दिए हुए हैं यहाँ पे चार आंसर, एक तो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है, वैक्यूम ट्यूब दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है। तो वैक्यूम ट्यूब नहीं होता है, ये तीनों पार्ट होते हैं। वैक्यूम ट्यूब एक अलग से होती है, फर्स्ट जनरेशन में बनाई गई थी। तो आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब जो आईसी चिप में नहीं होता है। ठीक है, 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, 29वां क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक का फुल फॉर्म यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड, जो कि पी ऑप्शन में दिया हुआ है। बेसिक एक लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा गया यहाँ पे, बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड इसका फुल फॉर्म होता है। 30वां क्वेश्चन है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ। तो सेकंड में हुआ था आपका कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड जनरेशन में हुआ था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सेकंड आंसर नहीं होगा, इसका थर्ड आंसर होगा, यानी आपको पूछा जाए कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ, तो उसका आंसर होगा थर्ड जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का टाइम पीरियड क्या था? फोर्थ जनरेशन में जो था वो था आपका 1965 से 1970। इसमें कुछ ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं, वैसे इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1971 से माना जाता है, 71 से। तो इसका आंसर सही इसमें दिया नहीं हुआ है, आंसर है 1971 से माना जाता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आंसर है 1971 से।
ठीक है, इनमें चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, 32वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मेन पार्ट क्या था। तो फोर्थ जनरेशन वही रिपीट एंड रिपीट हो रहा है कि फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता था, बहुत सारी आईसी चिप को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर एन लगाना मतलब बहुत सारी आईसी चिप को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर से हम क्या बना पाए थे, माइक्रो कंप्यूटर बना पाए थे। तो फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करना सीख लिया था। तो इसका आंसर होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन का मेन पार्ट क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया कि माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी चिप से मिलकर बना होता था। तो एक ही चिप पर हजारों आईसी चिप का एक समूह, एक ही चिप पर सैकड़ों आईसी चिप का, एक ही लाखों तो एक ही करोड़। तो एक ही चिप पर हजारों आईसी चिप, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटरों की और कौन सी विशेषता थी। तो मैंने फोर्थ जनरेशन में बाकी विशेषताएं तो बताई हैं, और इसकी एक और विशेषता थी कि DBMS पे काम करता था। DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया। तो फोर्थ कोर जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे उनकी एक और क्वालिटी थी कि वो डाटा बेस मैनेजमेंट करते थे, यानी डाटा को आपको मैनेज कैसे करना है, ये फोर्थ जनरेशन में आ गया था। चलिए, 35वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पैरेलल कंप्यूटिंग का विकास उसमें हुआ। तो पैरेलल कंप्यूटिंग फोर्थ जनरेशन में आ चुकी थी, मैंने आपको लिखाया भी था। तो इसका आंसर है फोर्थ जनरेशन में पैरेलल कंप्यूटर का विकास हुआ था। सॉरी, 36वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि फुल फॉर्म ऑफ GUI, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको परेशान करने के लिए यूज़र की जगह यहाँ पे यूजिंग कर दिया गया है, यहाँ पे इंटरफेस की जगह इंटरचिप कर दिया गया है, सेकंड में थर्ड ऑप्शन में है, सही लिखा है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये फोर्थ जनरेशन में आ गए थे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कंप्यूटर। ठीक है, इसका 37वां क्वेश्चन है नोटबुक लैपटॉप पामटॉप कौन सी पीढ़ी में आए। तो नोटबुक लैपटॉप पामटॉप पाँचवीं पीढ़ी में आए, और इसका आंसर है 5th पीढ़ी में। ठीक है, 37 के बाद 38वां क्वेश्चन देखते हैं हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो उसका आंसर हम आपको बता चुके हैं, 5वीं पीढ़ी में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कंप्यूटर आ चुके थे। 39वां क्वेश्चन है कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर को किसने बनाया। तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर को एनियाक किसने बनाया, JP कट एंड जॉन मुचली ने। एनियाक फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसको बनाया JP कट एंड जॉन मुचली ने। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ध्यान से पढ़िए तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट 40वां, इनमें से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, तो माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाता है आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो माइक्रो प्रोसेसर मैंने लास्ट में बताया था कि इंटेल कंपनी जो है 5th पीढ़ी में वो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो इसका आंसर है इंटेल, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, आंसर इसका इंटेल है। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसकी PDF लिंक मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दी है चैनल के, तो आप वहाँ से ये सारे क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और देखने के लिए थैंक्स, आई होप आपको समझ में भी आया होगा।